हड़प्पा जिला पुलिस ने कल दो चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे 18 लाख रुपए के सोने के गहने और चार बाइक बरामद की है। अभियुक्तों की पहचान वोटिमिटा मंडल के माधवराम गांव के एन आदित्य नारायण और वोटिमिटा मंडल के मुकुंद आश्रम के जी गंगा राजू के रूप में हुई है। शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अतड़ा बाबूजी ने कहा है कि दोनों ने राज्य में कई अपराध किए हैं। एसपी ने कहा कि आरोपी कार्य अनुक्रम कस्बों के बाहरी इलाकों में अस्थायी झोपड़ियां बनाते थे और बंद घरों को तोड़कर कीमती सामान चुराकर भाग जाते थे। दोनों को चिन्ना चौक सर्कल इंस्पेक्टर रामकृष्ण और एसआई हीमा कुमार ने शनिवार को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इंस्पेक्टर को पुरस्कार घोषित किया है।